आइए मिस्टर एंड मिसेस सुब्रमण्यम से पूछते हैं, लॉकडाउन के बाद अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं। लॉकडाउन क्या हुआ, मेरा शूज को शायद लगा कि मैं सन्यास लेकर जंगल चला गया। इसको कब से समझा रहा हूं मैं बेटा, इद हॉलिडे ओवर। अप्पा, वेंकट ने मेरे डॉल के ईयर को बाइट किया। अड़कड़वले, साड़ी चैलेंज तो फेसबुक पर जीत लिया, पर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन दो बच्चों के झगड़ों को संभालना। मैं सोच रहा था कि अप्पा, वानी मेरे फोन में मैसेज पड़ रही है। लॉकडाउन से पहले एक कमरे में दोनों बाएं बहन रहते थे, और लॉकडाउन के बाद जैसे इंडिया और चाइना। मैं सोच रहा था कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, दे नीड ए स्पेस टू स्टडी। मैं सोच रही थी कि इनको कहो अब एक एक्स्ट्रा कमरा बनवा ही लेते हैं, दोनों बच्चों के अलग अलग रूम्स होंगे तो झगड़े कम और पढ़ाई थोड़ी ज्यादा। अपना घर हो ये सभी की चाहत है, लेकिन फ्यूचर में पर्सनल स्पेस जरूरी होगी, क्योंकि फ्यूचर में लाइफ डिफरेंट होगी। वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ सब बदल रहा है। यू लग रही, अगर पर्सनल स्पेस होगा तो परिवार सिर्फ साथ ही नहीं खुशी खुशी साथ रहेगा। अगर पर्सनल स्पेस के लिए आप कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं तो हमसे बात करें। डालमिया सीमेंट, फ्यूचर टुडे।